हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने का सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी काले चने को अच्छे से पानी में बॉईल कर लिया था, और इसको मैंने, ये देखिए, इसका पानी मैंने अलग कर लिया है, और थोड़े से चने को मैंने, ये देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है। और उसके साथ साथ देखिए, इसके लिए मैंने दो टमाटर को इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया उसका, और ये अदरक है, अदरक को भी मैंने क्रश कर लिया है, एक प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया, और ये लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, मिर्च और आमचूर पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। आप अगर चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये अदरक, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ लहसुन, लहसुन को भी हम हल्का सा भून लेंगे, डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे। मैं इसमें डालूंगी टमाटर, साथ हम डालेंगे इसमें नमक, मिर्च, आमचूर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। ये देखिए, मसाला हमारा तैयार है, जिसमें तेल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम इसी टाइम इसमें डालेंगे ये ग्राइंड किए हुए चने, ये देखिए मैंने इसमें ग्राइंड किए हुए चनों को भी इसमें डाल दिया है। और अब इसी के साथ डालूंगी मैं इसमें चनों का पानी, इसको हम थोड़ा सा इसमें पका लेंगे। और ये देखिए, इसी के साथ इसमें मैं ये जो बॉईल किए हुए चने थे ये भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए रख लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, पानी आपको जितना चाहिए सूप के लिए आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक कप पानी डाला है, अभी मैं और डालती हूँ उसमें पानी। ये देखिए, इसको अब हम एक बॉईल आने देते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे अरारोट। ये देखिए, मैंने एक चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम दो से तीन चम्मच पानी डाल के इसका एक स्लरी तैयार करेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको डाल के इसे मिलाते जाना है। देखिए, इसमें अब हम और बॉईल आने देते हैं जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, इसका सूप बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चने बॉईल किए हुए, प्याज कटे हुए, हरी चटनी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ये तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया,
थोड़े से फ्राई किए हुए ब्रेड क्रम्स और क्रीम के साथ हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सूप बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।